इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। मुल्ताई नगर में फिर से इन दिनों कुत्तों का आतंक जारी है। आजाद वार्ड निवासी छोटू बचले, जो कि रेलवे स्टेशन से घर आ रहा था, जिसे टाकीज के सामने चार पांच कुत्तों के समूह ने घेर लिया एवं उसके बाएं पैर में काट लिया, जिसका इलाज चल रहा है। छोटू ने बताया कि कुत्तों ने अचानक उसे घेर कर हमला कर दिया था, जिसमें उसके पैर में 16 टांके लगे हैं। वहीं आजाद वार्ड निवासी आदिल भाई ने बताया कि कल उन पर नाका नंबर 1 के 3 कुत्तों ने हमला कर दिया था। तीनों कुत्ते पालतू थे, जो आने जाने वालों पर लपकते हैं। वो तो अच्छा रहा कि स्कूटी पर था, नहीं तो उन्हें भी कुत्तों का शिकार होना पड़ता। कुछ समय पहले नपा द्वारा कुत्तों की नशबंदी की गयी थी, फिर भी नगर में कुत्तों का आतंक कम नहीं हुआ। अब तो ये कुत्ते नरभक्षी हो गए हैं, शाम के समय ये और भी घातक हो जाते हैं। आपकी और क्या नाम है, आपका पूरी जानकारी दे। भाई हमारा नाम मोहम्मद आदिल है, आजाद वार्ड निवासी, और हमारे शहर में जो है इस वक्त कुत्तों का बहुत ही ज्यादा आतंक फैला हुआ है। जिस गली में जाओगे आप कुत्ते कुत्ते नजर आते हैं, और बच्चों पे और बुजुर्गों पे और सभी आने जाने वालों पर हमला करते हैं, बल्कि मोटरसाइकिल के पीछे भी दौड़ते हैं। यहाँ नाका नंबर 1 जहाँ पे 3-4 कुत्तों ने एकदम से मेरे ऊपर हमला किया था, मैं अचानक वहाँ से भागा तो भी मेरे पैजामे कपड़े को पकड़े उन्होंने और नोचे, और बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भागा। और इस तरीके से अभी यहाँ पे हमारे पड़ोस में आज़ाद वार्ड में एक बिट्टू भैया करके बच्चा है, और उनकी वालिदा जो है सुनीता नाम है, सब्जी बेचती बेचारी, गरीब बच्चे हैं, उसके पैर पे ऐसा हमला किया जैसे खाई गया आधा उसका। इस तरीके से उन्होंने हमला किया कि उसको उपचार के लिए जाना पड़ा फौरन, और उपचार के बाद में तो फिर उन्होंने शिकायत भी किया, हमने भी शिकायत की है शहर में, मगर कोई उसकी सुनवाई नहीं है। कब्रस्तान के पास इतने कुत्ते, अगर धोखे से कोई बाइक से गिर जाता है तो उसकी तो जान बचना ही मुश्किल है। एक कुत्ता आवाज़ देता है तो कम से कम 200 कुत्ते जमा हो जाते हैं, तो अब आदमी कैसे बचेगा, अपने आप कैसे बचा पाएंगे। पर यही समस्या है, तो सरकार से और प्रशासन से यही हमारी विनती है कि सर ध्यान दें और कुत्तों को जो है कहीं और उनकी व्यवस्था करें। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।